नमस्कार जय हिंद मैथिली न्यूज में अहाँ सबके स्वागत है। हम छी शुभ नारायण आ हम अनूप। मिथिला मैथिली विषय पर आधारित साक्षात्कार के क्रम में आइ हमरा सबके बीच उपस्थित छथि प्रसिद्ध विदुषी डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित छथि, देश दुनिया घूमल छथि, अपना अंदर पूरा मिथिला समेटने छथि, ओना तकरीबन 4 दशक से ऊपर से उपरवासी मैथिल की तरह जीव रहल छथि, लेकिन मिथिला मैथिल से पूर्ण रूपेण जुड़ल छथि, अपने आप में मैथिल छथि, मिथिलांचल छथि, केना जुड़ल छथि से सुनै छी हुनके सब। हम अपने आप में मिथिला छी, दिल्ली में रह के केना जुड़ल छी, हमर आत्मा तो वही ठाम बसे अछि, मिथिले में बसल अछि। हम बुझते नहीं छी जो हम मिथिला के नहीं छी, हम बाहर दिल्ली के छी, कोनो शहरी छी। हम सब दिनकर के पढ़ने रहिए जे एकता अनेकता में एकता, तो हम जतय जतय इंडिया में गेलों हाँ, भारतवर्ष में जतय जतय घूमलों हाँ, आश्चर्य छी। पूर्वांचल गेलों, मने डिब्रूगढ़ गेलों, कतौ गेलों, सब जगह छोट मोट मैथिल, सब जगह छोट मोट मिथिला बसल छे। अच्छा, एतबे नहीं, तकर बाद देखियौ अहाँ जे हम एखन अहाँके असल प्रवासी कहै छी, हम इंग्लैंड में गेल रही मैथिली कल्चरल सोसाइटी ऑफ यूके में, ओहिमे चीफ गेस्ट बनि के गेल रही। ओहिठाम जे हम ओकरा सबके मिथिला के प्रति जे आकर्षण हमरा सब में नहीं ओते ज्यादा, हम इएह कहब जे एक मीटिंग भेलै सौंसे इंग्लैंड के, जतेक मैथिल रहथिन सब जमा भए गेलै, और ओहिठुमका बच्चा सबके कहल जाइत रहै जे जकर बच्चा मैथिली नहीं बाजत से हमरा घर नहीं आओ। वाह, हमरा एतेक मन खुश लागि गेल रहै, तखन नहि कहि सकै छी देख के जे वाह, अपन मिथिला अपन मैथिली, जे प्रवासी नहि विदेशी सब आ से केना मिथिला से जुड़ल छथि, अपन संस्कृति अपन संस्कार से जुड़ल छथि ओ सब। अखन बहुत रास संगठन द्वारा मांग उठि रहल अछि जे मिथिला के विकास स्वतंत्र मिथिला राज्य के बिना नहि संभव अछि, एहि विषय पर पूछलियनि तऽ डॉक्टर शेफालिका जी के जे सोच छनि, जे दृष्टि छनि, अतेक साफ छनि, क्लियर छनि, विजन हुनकर सुनकर एक लाइन में कहले कि मिथिला के विकास मिथिला राज्य के बिना संभव नहीं है, आ बिना राज्य मिथिला राज्य बिना नेतृत्व के संभव नहीं है। नेतृत्व कतौ अछि, सवाल अछि कि मिथिला राज्य के लेल जे आंदोलन हैत तकर नेतृत्व कतौ अछि। कहै छी आइ बच्चा सब मिथिला राज्य लए कए रहल छै, एकटा चीज अहाँके कहै छी, एहिमे सबसे बड़का गलती छै जे मिथिला के खाली कर्ण कायस्थ आ ब्राह्मण लए के चलि रहल छथिन, ओहिठुमका जे छथिन वासी सब एक्चुअली तकरा हमसब एकदम कहबै मिथिला राज्य तू मैथिल छी तऽ ओहो नहि बाजै छै मैथिली मे, लेकिन कहबै कि तू मैथिल छी तऽ लागै छौ। ई चीज हमरा सबमे सबसे बड़का कमी रहल, जे हमसब सबके विश्वास सबसे बड़का अभाव छै। हमरा एक बार गेबो केलियै रहै कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मिथिला के अथी राज्य मे, तऽ हम हिनका सबके सब कोइ रहथिन अहाँके जतेक छथिन नेतागण, हम इएह कहलियै जे एक गोटे कोइ झंडा उठाबियौ, ई बच्चा सब जे लड़ि रहल छै अपना अपना तरीकासँ मिथिला राज्य लेल, कि सबटा थोड़े चीफ मिनिस्टर बनि जेतै मिथिला राज्यसँ, एकरा सबके कोन छै, लेकिन सब लड़ि रहल छै तऽ लड़ै छै, तऽ अहाँ एक गोटे झंडा एक गोटेके बैनरके नीचामे सबके लड़बाक चाही, लेकिन से नहि छै। बहुत बड़का ई तऽ व्याकरण नहि छै, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, एकरा अहाँ की करबै, सबके अपन अपन मति छै, सबमे मैथिल रही कि नन मैथिल रही, सब आदमी के अपन अपन बुद्धि छै, अपन तऽ नेतृत्व ओकरे नहि कहै छै जे सबक बुद्धि के लाभ उठा के सबके अपना बना के, कोई नेता जे जीतै छै आइ तऽ ओहि बल पर ने, लेकिन ओ तऽ जीतै लए जीतै छै, लेकिन राज्य बनेबाक वास्ते बड़का बात छै। तेलंगाना राज्य बनि गेलै आ कोन कोन राज्य, मिथिला राज्य नहि बनि सकै छै, जकर कि विश्व के सबसे प्राचीनतम संस्कृति छै मिथिला राज्य के। एखन देखियौ मिथिलांचल में एम्स खुलै के कतेक बात रहै, कतेक बढ़िआँ से पॉलिटिक्स उठलै, हमसब सब पूरा अथी केलियै, तकर बाद देखियौ की भए गेलै। मिथिलांचल के ई सब कहियो जा अलग नहि हेतै ने, नहि बढ़े देथिन आगू, किया तऽ वोट हुनका पास किछु नहि छै, बीच में बैठ जेतै बिहार, जकरा पास किछु नहि छै सिवाय इतिहास के। आ इमहर मिथिलांचल के पास अगर करल जाय तऽ एक उमहर चलि गेलै झारखण्ड चलि गेलै आ मिथिलांचलो चलि जेतै, एहि डर से ओकरा आओर नहि कोई आगू बढ़। जे बहुत गोटे कहै छथिन जे ओ भाई पहिले बिहार सरकार से मिथिलांचल के पूरा विकास करवा लिअ, सबटा मिल खोलवा लिअ, सबटा ई करवा लिअ आ तकर बाद मिथिला राज्य, किया तऽ हमसब राजो लए लेब आ फेर मुँह ताकैत रहबै केन्द्र के जे हमरा दिअ आब पैसा, हमरा दिअ, से नहि करब।
लेकिन सवाल छै कि जे बिल्ली के गले में घंटी के बांधे, ई जे सरकार के नहीं चाहिए, सरकारों के तो मिथिलांचल से जीते छथिन, तो कहाँ जाए छथिन फिर ई सब घूर के, क्या कोनो गाम में ई सब जाके अपन मीटिंग करत, जते के एमएलए एमपी छिए, क्या सहरसा में मीटिंग करथिन सर्किट हाउस में बैस के, किया वो गाम के कोनो मुखिया कतौ जाके बैसैत जीते छथिन ओहि अथी से, आ ओहिठाम का विकास के गप करे से नहि होइ छै अपना सब के, तऽ बहुत एहिमे पॉलिटिक्स छै जे हम नहि बुझै छियै, अहाँ सब हमरा से बेसी बुझै छी, लेकिन गाम के मिथिला राज्य के वास्ते अहाँ के जमीन से जुड़िए पड़त, अहाँ के गाम से लए कऽ ब्लॉक से लए कऽ अथी से लए कऽ अहाँ के आबैए, मिथिलांचल के वास्ते मिथिला राज्य के वास्ते अहाँ के जन जन में जन जन के प्रेरित करे पड़त, ओकरा कन्विंस करे पड़त जे तोहर राज छियो, तू जे जाइ छी ओहिठाम कमाबै लए से नहि जेभी, तोरा अहिठाम हरी हरी भए जेतौ, तोरा अहिठाम कतेक इंडस्ट्रीज खुलि जेतौ, अहिठाम दरी बुनबी, अहिठाम कम्बल बुनबी, अहिठाम मोनी तोनी की कहाँ बुनबी, मिथिला पेंटिंग देखियौ, मिथिला पेंटिंग एक बेर हरहराक उठलै रहए, आइ मिथिला पेंटिंगो शांत छै, पता नहि कतौ की भए गेलै हँ मिथिला, मने की भए गेलै हँ लोकके, आब इम्पोरियममे मिथिला पेंटिंग छै, सोचियौ लोक बोलिके मने इको की भए गेलै राजके, लागै छै कि जे इनारेमे जेना भाङ्ग घोरि देलकै हँ, आब सब मातल छै पैसा पैसा हाय पैसा, पैसे एहन नहि जे मिथिला राज बने आ ओहो पैसा खाइके एकटा भए जाए, से नहि हेबाक चाही, एहि दुआरे मिथिलाके सशक्त बनाबैके वास्ते, एक सुन्दर राज्य, स्वस्थ राज्य बनाबैके वास्ते स्वस्थ मानसिकताके जरूरत छै, आओर जमीनसँ जुटल आदमीके चाही। आइ देखियौ सुगर मिलके नाम से मिथिलांचल के नाम की रहे, जे कि पूरा ई चीनी मिल छै तो हसनपुर चीनी मिल छै, तो ई चीनी मिल छै, ओ चीनी मिल छै, ई बैद्यनाथपुर पेपर मिल छै, तो कोन कोन मिल छै, ओतेक हमर नामो नहि आब याद यऽ, आ अतेक मिल छै, अतेक रोजगार छै, आइ एकटा किया बम्बईमे आ दिल्लीमे दौड़के अथी मजदूर सब मरै लए परिवार, अहाँ बात कहै छियै एहिठामका लोक देखियौ पीढ़ी बीमारी सब मरि रहल छै, ओहिठामका रोजगार करै लए एहिठाम पंजाब आबै छै, अफीम पिया पिया के चाहमे ओकरासँ हमर बिहारी सबसे मधुबनी वाला सबसे दरभंगा सहरसा वाला से ओ सब काज लै छै वही खेत के, आ ओ बेचारा सब डॉक्टर के अभाव मे दवाई के अभाव मे दम तोड़ दै छै, आ कहै छै पीढ़ी बीमारी भेलै की बच्चा की बूढ़ा कोई जवान सबटा मरि जाइ छै, के देखै वाला छै मिथिलांचल के, कोई देखै वाला नहि छै मिथिलांचल के, बाप माय कतौ कोई नहि छै। जे एतौ जे दिल्लीमे भोजपुरी सङ्गे साटिके जे मैथिली अकादमी चलि रहल अछि, ताहिपर अहाँके की कहब, एनामे की दिल्लीसँ मैथिलीके विकास हैत? ई पहिल बेर जे छै हमरा मैथिली भोजपुरीमे बजायल गेल, तऽ जहियासँ चेंज भेलै हँ, तऽ हम पहिल बेर गेलहुँ, लेकिन हम सोचलहुँ हम छोड़ब नहि, हमरा दोसर बेर नहि आबै, हमरा कोन काज अयबो केलहुँ, पहिल बेर बुझै छी अन्तिमे बेर छी, आओर हम कहलियै तऽ अहाँ अलग करू, मैथिलीके विकास करू अगर हृदयसँ चाहै छी, हम तऽ एतबे कहलियै रहए, लेकिन ओ एतेक चीज कहलखिन जे अहाँ सब देखिए रहल छियै सुनिए रहल छियै, लेकिन हमरा एकटा कोई मैथिल भाइ नहि उठलै एहिमे, ओ कहलखिन ओ कहथिन ओ कहथिन, तऽ सब कोई ताली बजबेलखिन, ओकर बाद हम किछु हम चुप रहि गेलहुँ, तैयो चुप नहि रहलहुँ, हम बजिते रहलहुँ जे दू ना अपन कहलखिन एके, हम कहलियै नहि हैत एना विकास, आब ओना हम करू जे हम एकेडमी बनेने छी, लेकिन नहि हैत, हम कहलियै हमरा नहि शौक होइए, हमरा मिथिला भवन रहए, ओहिमे हरिमोहन झाके फोटो रहए, सुभद्र झाके फोटो रहए, मणिपद्मके फोटो रहए, हमरो तऽ शौक होइए अहिना, तऽ कहलकै कि ई हमर हिन्दी भवन नहि छी, हम कहलियै हमरो मिथिला भवन नहि रहतै हमर, लेकिन हमरा ओ अहाँ देबै तब हमहूँ बनायब ने अपन, एतेक सरकारके पैसा छै दिल्ली अथी, एतेक जमीन छै दिल्ली सरकारके, तऽ सबके अहीँ सब हेल्प करबै ने, हम तऽ एकटा दिमागमे दै छी, आइ अहाँ दिल्ली विश्वविद्यालयमे देखियौ सबटा मैथिली पढ़ै छथिन, सबटा IAS जतेक होइ छथिन सबटा मिथिलेके होइ छथिन, तऽ ईसब जे मिथिलामे एतेक विद्वता छै, भारती आ मैत्री आ गार्गीके नाम लै छी तऽ कतऽसँ, ओहिठामसँ ने, आ एखन अहाँ मिथिलाङ्गनमे एकटा मिथिलाञ्चल मिथिलाङ्गनमे एकटा सीताके अहाँ मन्दिर नहि बना सकलहुँ, सीताके टूरिस्ट स्पॉट नहि बना सकलहुँ, जे आइ रामके जन्म लेल लड़ाइ भए रहल छै, कि सीताके जन्म लड़ाइ हमसब नहि कए सकै छी, सीता नहि रहतियै तऽ राम किछो नहि, जहिना सब राजा तहिना राम राजा, लेकिन सीता ने सीताके उत्कर्ष ओकर त्याग आ सहिष्णुता आइ रामके राम बनेलकै, तुलसी लिखा देलखिन अपना हाथसँ रामायण, ओ कोई नारी लिखतियै तऽ आइ सीता शिरोमणि नारी शिरोमणि सीता हेतियै, नहि कि मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तऽ अहाँके एकटा मने पत्नी तऽ दूर एकटा प्रजाके हैसियतसँ नहि ओकर अथी कए सकलखिन, सीताके साथ न्याय कए सकलखिन, आ जे ओ कहलखिन कि जे कि रघुकुल रीत सदा चलि आइयो, तकरा वास्ते ओ 14 सालके वास्ते वनवास चलि गेलखिन,
कि वो सीता के जो सात जन्म वचन दिलखिन रह निभेलखिन आ कि वो ठीक छे तो बनवास हम चलै छे हमू जाइ छी भाय सब लिए राजपाट हम तोरा संग बनवास जाइ छी तो फिर सीते राम के उठा राज के मोह किया भए गेलै। नहीं, बातचीत के क्रम में सुमनारायण जी हम कहो कलिए कि प्रोफेसर अमरेंद्र झा से हम लेने रही साक्षात्कार तो कहने रहे कि भारत के आज़ाद भारत में 15 साल राजनीति कारण जेल में रह वाला आदमी एकटा छथि वैजनाथ चौधरी और हुनका हाथ में छे नेतृत्व। हम पूछल जन हुनकर नेतृत्व पर यदि सब संगठन एग्रीड होइया तो की संभव छे तो वो अपन विचार स्वतंत्र रूप से देलथि जे एकर जे भेल छे एखन ओ जादू दोसर चीज छे अहिना अगर जे आइ आवाज बुलंद छे एकटा जानै छे एकटा नीक नेतृत्व भेट जेतै। हम नाम ककरो नहि जानै छियै ताहि दुआरे हम नहि कहि सकै छी बैजुआ ओकर नाम कहलियै तऽ पर्सनल रिलेशन अछि हुनकासँ तऽ कहलियै लेकिन हुनका छै तऽ ओ आबिके झंडा लैत आगूमे पीछासँ नहि आगू आबिके झंडा लैत भाषण दैत सब धाराके एक करैत आओर कहैत बच्चा अपना सबके मिथिला लेनाइ छौ आओर सब जातिके ओहिठाम अपना मिथिलाञ्चलमे बहुत रास साहित्यकार स्थापित छथि बहुत रास विद्वान छथि कवि विद्यापतिसँ लऽ कऽ चाहे ओहिसँ पूर्व मनबोध रहल होथि या वर्तमान समकालीनमे राजकमल चौधरीके बादो एखन जगदीश प्रसाद मण्डल जी छथि जे 55 किताब लिखने छथि। सवाल ई छलैए जे भाषाके बिना विकास भेने कोनो संस्कृति के विकास कोनो सभ्यता के विकास कोनो अंचल के विकास संभव नहीं छे केना हेतै तै पर की बजे छे सुनू। हाँ सुनू। तो हम जखन इंग्लैंड गेलहुँ तो एकटा संगी ओतय हमरा सबको लए गेलखिन तो ओकर बच्चा सब रहे तो इंडियन देख के वो सब इंडिया के रहै लेकिन साउथ इंडिया के रहै तो इंडियन हमरा देख के ओकरा सब बच्चा सब चलि गेल अपन इमहर उमहर भए गेलै अपन हेलो हाय कए के तकर बाद एक गोटे ओकरा अंग्रेजीमे कहलकै बच्चा के जे कि अहाँ जानै छियै जे कविता अपना सब माय विलेज पढ़ै छियै से हिनके लिखल छियै सी इज द पोइट्रेस ऑफ दैट कहै छी ओ सब बच्चा हमरा लग चलि अयलै आ पूछै लए कोन चीज कहलकै जे कि वी डोंट नो व्हाट इज दिस मखान मखान तऽ कहलकै से हमरा सब जवाबमे मखाने लिख देलियै है कर्मी लत्ती की छियै सब पूछय लागलै तऽ हमर बेटी डॉक्टर छै ओ समझा देलकै मखानके हम ओतेक नहि एक्सप्लेन कए सकलियै ओ अंग्रेज बच्चासभ रहै सबटा अंग्रेजो रहै आओर साउथ इंडियन रहै सबटा घेर लेलकै। अनुवादके कतेक बड़का महत्व होइ छै जे हमर सबक गामके ओहिठाम नक्शा बनल छै मखान की छियै कर्मी लत्ती की छियै तऽ एहि दुआरे अनुवाद मैथिलीमे नहि होइए इहो एकटा मुद्दा हम अहाँके कहै छी जे एहि दुआरे मैथिलीके विकास आर नहि होइए। अहाँ देखियौ जे आइ के चिन्हितियै शरद चन्द्रके आ बंकिम चन्द्रके अगर हुनकर हिन्दी अनुवाद नहि हेतियै तऽ लेकिन आइ देखियौ मैथिलीके के हरिमोहन झाके के जानै छै खट्टर काकाक तरङ्ग के जानै छै सुभद्रा झाके के जानै छै चन्दा झाके जे की लिखने छथिन कोइ नहि जानै छै किएक तऽ अनुवाद नहि होइ छै अपनेमे लिखै छै तऽ अपनेमे पढ़ै छै पढ़ैयोवला नहि रहल हइ कोइ लेखको नहि छथि सब लिखैयोवला छी हमसब। हम एके बात कहब अहाँ सबके समुच्चा मिथिला मैथिलीके आलोचक वर्गके जे अहाँ सब कोनो किताबके जे आलोचना करै छियै किताबके नामके पन्ना जे छै लेखकके नामके पन्ना फाड़िके आ तकर बाद ओहि किताबके आलोचना करै लए दियौ ओहि लेखकके परिचय ओहिमे नहि रहए कृतिके परिचय रहए जे की लिखलै छै आ के लिखने छथि ई शेफालिका वर्मा लिखलथि ई गुंजन जी लिखलथि आ ई लिखलथि से नहि हेबाक चाही अहाँ पन्ना फाड़ू आ तकर बाद दियौ लोकके आलोचना करि देखियौ कतेक एहन जादव निकलता कतेक एहन पासवान निकलता कतेक एहन मेहता निकलता जे एक से एक अपना अथीमे छै लेकिन विद्यापति किया विद्यापति समारोह जरूर करू लेकिन आओर की करू सुनू हुनकासँ। आब देखियौ मैथिलीके विद्यापतिके दूटा बात छै देखियौ एहिमे सबटा हमर अपन बात छी हम जानै छी हमरा सब बहुत गोटेके मतभेद छी हम सबके जनै छियै अपने समान लोक सबके अपन बुजुर्ग सबके मैथिलीके जे विद्यापतिके जे भाषा छै पदावलीके कोनो नन मैथिलो जे छथिन से क्वेश्चन आंसर ओकर कए दै छथिन एतेक शुद्ध एतेक अथी छै कतौ क्लिष्ट नहि छै भाषा लेकिन आब जे छै दिनोदिन मैथिलीके क्लिष्ट बनेने चलल जा रहल छै भाषाके ओकर प्रवाहके नहि रोकबाक चाही जाहिसँ पाठकके वृद्धि हुए पाठक ओकर हमरा तैयार करनाइ यऽ मैथिलीके सरल आ सहज भाषा बनाकऽ जाहिसँ कि किएक तऽ पाँच कोशपर वाणी बदलाए कोन चीज छै हम जब मैथिलीमे लिखै लए हमरा कहल गेल रहै तऽ हम नहि तैयार भेलियै रामदेव बाबू कहलकै हम कहलियै नहि लिखब मैथिलीमे हमरा नहि आबैए भऽ गेलै लऽ लेलकै सहरसा जिलाके छी भए गेलै लए लेलकै खा लेलकै ओ भाषा हम केना भऽ गेलै बनाए कऽ लिखब लेकिन
जब हम भऽ गेलै तगले शुरू केलहुँ, होइत होइत आइ जे छै से सहरसोके भाषामे आब हमहीँटा नहि सब कोइ लिखे लागलखिन हँ। किएक तऽ अगर सहरसोके भाषाके मान्यता नहि देथिन तऽ अङ्गिका बज्जिका जकाँ भाषा एना छिड़िया कट टुटि टाटिके रहि जेतै। तऽ एहि दुआरे जे छै आब मैथिलीके ओसब रहलै हँ। दोसर कि जे अहाँ विद्यापतिके पर्व मनाबै छी, ई मिथिलाके आ मैथिलीके बहुत बड़का संरक्षण छै विद्यापति पर्व, लेकिन अहाँ गार्गी पर्व नहि बना सकै छियै। अगर एहिठाम अहाँ अथीके मैत्रेयीके आ भारती जे केओ कोशी कातके भारती जे शंकराचार्यके पराजित केलखिन, अहाँ भारती पर्व नहि मना सकै छी। एक पक्ष छै विद्यापतिके, आ विद्यापतिके नाम पर की होइ छै सब जगह आब विद्यापति पर्व। एहिसँ कि मैथिल कोनो बढ़ि जाइ छथिन कि कोनो मिथिला संस्कृति पर असर पड़ै छै? नहि होइ छै। आब ईसब अहिना की होइ छै हम नहि जानै छियै, लेकिन हम इएह जानै छी अहाँ विद्यापति पर्व मनाउ, अहाँ सुभद्रा झा पर्व मनाउ, चन्दा झा पर्व मनाउ। लोक केना बुझतै जे हमरा विद्यापतिएटा नहि छै तऽ हमर एहि तरहसँ कतेक विद्यापति तैयार भेल चलल जाइ छथि? अहाँ सीतानवमी, आब देखियौ रामनवमी लोक जानै छै, किया राम सीता बिना किछु नहि छथिन, किछु नहि छथिन, लेकिन के सीतानवमी मनाबै छै? कोइ नहि। आब इएह 8-10 बरससँ कतौ मने बिहारमे मनायल जाइत रहै, पहिल बेर दिल्लीओमे मनायल गेल सीतानवमी, लेकिन ई चीज जे छै कए टा अहाँ एकाङ्की विकास नहि ने करबै यौ जे आइ देखियौ रामनवमी मनायल जाइ छै सीतानवमी नहि, जेकि सबसँ पहिले सीतानवमी मनेबाक चाही तब रामनवमी। हमरा तऽ ई दुख लागल जे जखन राम जन्मभूमिवला सब एकटा रामके कहै छथिन तऽ ओ सङ्ग सङ्ग हुनका सीताके करबाक चाही, लेकिन आइ तक एकर आवाज कोइ नहि उठेलकै। एकर निचोड़ इएह हैत जे नेतृत्व नहि हैत तऽ आन्दोलन सफल नहि हैत। मिथिला राज जरूरी, ओहि लए जमीनी आन्दोलन जरूरी, मैथिल भाषाके विकास जरूरी, ओहि लए ओकर भाषा समृद्ध हुए, ओहि लए ओकरा सब भाषामे अनुवाद जरूरी, आर एक मंच पर सब संगठन मिलकर एक नेतृत्वमे सब मिलजुलि कऽ आन्दोलन करए तऽ मिथिला राज हैत। कोनो अकादमी सङ्गे साटिकऽ मैथिली अकादमी नहि चलायल जाय, तखने मैथिलीके विकास हैत। अनि सब बातपर बात सुनिकऽ हमसब स्पष्ट भेलहुँ, हुनकर विचार सुनिकऽ मुग्ध भेलहुँ। जय हिन्द मैथिली न्यूजमे आइके लेल एतबे। अहाँ सब जय हिन्द मैथिली न्यूजके सब्सक्राइब करू, एकरा लाइक करू, एकरा शेयर करू आ एहिपर अपन विचार व्यक्त करू। अहाँ सभक विचारके हमसब हृदयसँ स्वीकार करब, ओकर अनुसारे चलबाक कोशिश करब। धन्यवाद, नमस्कार।